हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कुक विद सेसेस। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड पिज़्ज़ा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कटोरी मैदा। सो इसे अच्छे से छान लेते हैं। छानने के बाद हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर कर्ड, दही, नमक। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दही और नमक और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैं ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया बेकिंग पाउडर। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बिना ईस्ट और बिना ओवन के होने वाला है। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से गूंद लेते हैं पानी की मदद से। अच्छा सा एक मसाज दे देते हैं और अच्छे से गूंद लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ इस तरह से मैंने गूंद लिया है। तो मसाज जो है अच्छे से करना है हमें। तो अब हम लोग कुछ इस तरह से हमारा जो आटा होना चाहिए, आटा कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम मसाज कर देंगे। देख सकते हो कुछ इस तरह से मसाज करना है हमें। तो मैं अभी रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अभी हम लोग मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। तो इसे अच्छे से कट करना है क्यूब्स में। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1 कटोरी दही। ऐड कर देते हैं बेसन। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे गरम मसाला, थोड़ा सा तेल, लाल मिर्च पाउडर, तो लेमन डाल देंगे हम लोग, नींबू। यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है। नमक ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो अभी हम लोग ने जो पनीर क्यूब्स में कट कर लिया था उसे हम लोग इसके अंदर मैरिनेट में अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल दिया है। तो हम लोग जो पनीर हम लोग ने मैरिनेट कर रख दिया था वो हम लोग इसे अच्छे से सोटे कर लेंगे। आप चाहो तो ओवन में भी इसे सर्व कर सकते हो फ्राई, लेकिन मैंने पैन में ही किया है। तो चलिए देख लेते हैं आटा। तो आप देख सकते हो आटा जो है कितना अच्छा फ्लफीनेस दिया है, बिना ईस्ट के ही इतना फ्लफी हो गया आटा हमारा। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा। थोड़ा सा हाथों की मदद से हमें थोड़ा सा प्रेस करना है इसे।
थोड़ा सा आटा डस्ट करना है हमें। तो अभी हम लोग ले लेते हैं बेलन, बेलन से जो है इसे अच्छे से बेल लेते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह से थिकनेस होना चाहिए हमारी बैटर, मतलब जो हम लोग ने पिज़्ज़ा का बेस बनाया है। तो अभी हम लोग शिफ्ट, तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस यूज़ नहीं किया है गाइस, ये मैंने होममेड ही सॉस बनाया है, क्योंकि सॉसेस में जो है गार्लिक रहता है, तो मैं गार्लिक तो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो मैंने होममेड सॉस ही बनाया है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ भी अच्छे से ब्रश कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने स्लाइस भी यूज़ किया है चीज़ का। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी कॉर्न। तो सॉसेस ऐड करने के बाद, तो यहाँ पर मैंने जो मैंने पनीर को रोस्ट करके रख दिया था उसे मैं ऐड कर दूँगी। तो अभी हम लोग इसे तकरीबन 15 मिनट्स तक हम लोग ऐसे, मतलब जो मैंने बनाया था ओवन उसमें रख देते हैं। तो हियर वी गो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। लुक एट दिस। सो गाइस, आप देख सकते हो पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले गाइस।